भारतीय टीम के परमानेंट कैप्टन रोहित शर्मा की जब से इंजरी के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है और जब से वो लगातार कप्तानी करना शुरू कर चुके हैं, T20 में आपने देखा होगा कई सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं और इसी को लेकर के रोहित शर्मा ने एक खास मैसेज दिया है अपने टीम के सारे प्लेयर्स को। आखिरकार वो मैसेज क्या हुआ हम आपको बताएं, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से इंग्लैंड में लगातार अपने बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन किया गया। ऋषभ पंत से ओपनिंग करवा ली गई, उसके बाद आप देखें उससे पहले नंबर 4 पर सूर्या बैटिंग करके शतक लगा चुके थे इंग्लैंड के खिलाफ में, उसके बाद जब यहां आते हैं वेस्ट इंडीज में तो सूर्या ओपन करते हैं, ऋषभ नंबर 4 चले जाते हैं, ईशान का पत्ता कट जाता है टीम से। उसके अलावा कई सारे परिवर्तन किए गए, बॉलिंग में भुवी ने डेथ ओवर ना गेंदबाजी किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ में, उनकी जगह पर आवेश गेंदबाजी करवाई गई और स्लीप ने गेंदबाजी की है। तो लगातार परिवर्तन किए गए हैं उन प्लेयर्स को लेकर के जिन पर भरोसा रोहित शर्मा को रहा है। ऐसे में रोहित शर्मा ने जब वेस्ट इंडीज सीरीज भारतीय टीम ने 4-1 से अपने नाम किया, उसके बाद उन्होंने खास मैसेज दिया अपने टीम मैनेजमेंट को, अपनी टीम के तमाम जो प्लेयर्स हैं उनको। उन्होंने कहा कि ये बिना आपके सहयोग के हो ही नहीं सका था। उन्होंने साफ तौर पर रोहित शर्मा ने अपने प्लेयर्स को कहा कि देखिए सबसे बड़ी बात होती है आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता था कि आपका रोल अलग है, आप कोई किसी नंबर पर बैटिंग कर रहा है, कोई किसी नंबर बैटिंग कर रहा है, सबको एक अलग रोल जो है वो डिफाइन किया गया था और उस रोल पर भी आकर के बिना फेल होने के डर के आपने परफॉर्म करके दिखाया और ये सबसे बड़ी जो है उपलब्धि रही है टीम इंडिया की और ये बिना आपके सपोर्ट के ये मैं संभव इसको नहीं कर पाता। लेकिन रोहित शर्मा ने जो बात कही उससे एक और चीज निकलता है कि उनका पूरा बैकअप अपने प्लेयर्स को लेकर के है, जो उनकी स्ट्रेटजी है वो साफ तौर पर दिखती हुई कि वो अपने टीम को लेकर के एक अलग नजरिया रखते हैं। एशिया कप में कैसे खेलना है, वर्ल्ड कप में किस तरीके से टीम से जो है वो आउटपुट निकालना है, ये बहुत बड़ी चीज रोहित शर्मा ने बताई। और रोहित शर्मा का मानना है कि अगर हर रोल में अपने आप को आप फिट करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के लिए बेहतर होगा। और रोहित शर्मा ने साफ तौर पर अपने प्लेयर्स को ये बात बोली है कि कहीं ना कहीं आपके पास वो फ्रीडम है, आपको फेल होने का कोई डर नहीं होना चाहिए। और इस बात की पुष्टि आपने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या ने भी कही थी कि रोहित की कप्तानी में लगातार जो है खिलाड़ी बिना फेलियर के डर से वो खेल रहे हैं, फ्रीडम मिल रहा है खेलने का और ये पिछले 4-5 साल का जो पहले का गेम था उसको छोड़कर आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। तो उम्मीद यही होगी कि जो रोहित ने मैसेज दिया है टीम में कि बिना फेलियर के फ्रीडम के साथ खेलिए, बिना फेल होने के डर से खेलिए और जो रोल आपको दिया गया उसमें आपने बहुत अच्छा किया है, शायद इससे और भी इंस्पायर्ड होंगे जो लड़के हैं टीम के और वो शायद और अच्छा करते नजर आएंगे। उम्मीद करेंगे कि रोहित की कप्तानी में एशिया कप भी हम जीतें और वर्ल्ड कप पर भी इस बार हमारा कब्जा हो। आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा होगा? आप कमेंट करें बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।